आंसर्स देंगे और जिन्हें नहीं आया वो ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? चलो एक स्टार्ट करते हैं, एक एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कंपाउंड ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, H2O से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वाटर के मैं यहाँ पे 3 मोल्स ले लेती हूँ, है ना? मोल पड़ा था ना, अगर मैं सिंपल H2O लिखूं दैट मीन्स इसमें कितने मोल्स है? 1 मोल है। अगर मैं वाटर के आगे 3 लगा दूं तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 3 होंगे, है ना? पानी के 3 मोल होंगे यहाँ पे। हाँ ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि भाई हम कैसे निकालते हैं कि किसी भी अणु में, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने परमाणु हैं, ठीक है, कितने एटम्स हैं। तो कुछ नहीं करना होता, सबसे पहला स्टेप मैंने आपसे बताया था, आगे जितने भी संख्या लिखी है, जितने भी नंबर्स लिखे हैं ना, उनकी जो मल्टीप्लाई है वो नीचे बेस वाले नंबर से हो जाती है, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, सबसे होगी, जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे सबसे मल्टीप्लाई होगी उसकी। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है? तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें 3H2O लिखा है ना, 3H2O लिखा है मैंने, अब मैं बोलूँ कि भाई हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, कितने परमाणु होंगे हाइड्रोजन के वाटर के 3 मोल में, तो क्या करेंगे आप? सिंपल से मल्टीप्लाई तो करना है आपने, कर दीजिए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम के बेस में कितने लिखे हैं? 2, 3 × 2 6 हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ, गुड इवनिंग। ऑक्सीजन में अगर आप ध्यान दें तो बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो 3 को अगेन मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, क्या आएगा? 1, सॉरी 3, 3 × 1 is 3। तो ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे यहाँ पे? 3। दैट मींस हाइड्रोजन के 6 एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके वाटर का 3 मोल या 3 मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाँ, वॉइस स्लो आ रही है, ठीक है? हाँ ठीक है, क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करिए, क्लियर नहीं है तो एन टाइप करिए। इतना ही समझाया था मैंने लास्ट क्लास में, है ना? हाँ ठीक है, कोई और डाउट है लास्ट क्लास से रिलेटेड? इतना ही मैंने बताया था। हाँ, गुड इवनिंग, ठीक है? कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ सिंपल मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए फटाफट से मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उनके आंसर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास क्लोरीन के, ठीक है, 4 मोल है ना, 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन दे रखा है, तो बताओ यहाँ क्लोरीन के एटम कितने होंगे, क्लोरीन के परमाणु कितने होंगे, कितने परमाणु क्लोरीन के मिलके 4 मोल क्लोरीन बनाएंगे? सभी आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। आप समझ में आ जाएगा सभी को?
कितना आपको क्लियर हुआ ये चीज, और ज्यादातर बच्चे रॉन्ग कर रहे हैं आंसर। तो वॉइस क्लियर नहीं है मेरी, वॉइस क्या स्लो आ रही है क्या? स्लो है क्या या क्लियर है? ऑडिबल हूं मैं तो? जिनको नहीं आ रही बेटा एक बार ना, ठीक है ठीक है, हो सकता है नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। ठीक है हाँ, तो बाकी बच्चे भी आंसर्स टाइप कीजिए कि क्लोरीन के कितने एटम होंगे, क्लोरीन के परमाणु बताइए गिनके सभी बच्चे। हाँ ठीक है। ठीक है बढ़िया, तो ज्यादातर बच्चे अब सही आंसर कर रहे हैं ना, बट कुछ बच्चों ने इसका आंसर 4 लिखा हुआ है। 4 कैसे है बेटा? 4 तो मुझे नहीं दिख रहे, 4 तो आप सिर्फ आगे का नंबर देख रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला, आगे जो नंबर दे रखा हो उसकी मल्टीप्लाई उसके बेस वाले नंबर से भी तो होगी, तो कितने आइटम हो जाएंगे? 8 है ना। जिन्होंने 4 लिखा है उनका रॉन्ग आंसर है, 8 आइटम्स होंगे। ठीक है हाँ बढ़िया, तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, मैम अगर क्लोरीन के नीचे 2 ना हो तो? तो 4 ही होंगे, बट क्लोरीन हमेशा डायटॉमिक होता है। ठीक है, तो 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्लोरीन, वो आगे समझ में आएगा जब हम आगे चैप्टर करेंगे कि क्यों क्लोरीन के नीचे 2 लिखा होता है या हाइड्रोजन के नीचे 1 लिखा होता है। तो माइक को अनम्यूट कोई नहीं करेंगे, ठीक है, तो म्यूट पर ही रहेंगे। चलिए तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा सोडियम का ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम के आगे मैंने 8 लगा दिया, 1 मोल ऑफ सोडियम, तो बताओ हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर। ठीक है, कितने एटम्स हैं, कितने परमाणु हैं, सभी लिखेंगे। हाँ ठीक है वेरी गुड, और 8 क्यों है, 8 ही क्यों है, आपने 8 ही क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोडियम के नीचे कोई नंबर था ही नहीं, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और 8 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा, है ना, इसलिए 8 आइटम्स हो गए। ठीक है हाँ बढ़िया, चलिए ये तो सिंपल वाले एग्जांपल हो गए। लास्ट एग्जांपल, एक कंपाउंड ले लेते हैं, कोई सा बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, ट्राइस ऑफ H2SO4। आपको बताना है हाइड्रोजन के एटम, आपको बताना है सल्फर के एटम, आपको बताने हैं ऑक्सीजन के एटम, तीनों के बताइए जल्दी से, चैट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक है बढ़िया, हाइड्रोजन के साथ साथ बाकी की भी लिखिए, सल्फर और ऑक्सीजन के भी लिखिए, कितने होंगे सल्फर एंड ऑक्सीजन के भी, एक ही साथ लिख लीजिए, एक ही मैसेज में टाइप हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है बढ़िया, सल्फर के बताइए जरा, सल्फर के कोई नहीं लिख रहे हैं। सल्फर का 1, सल्फर सल्फर का 1 लिख रहे हैं आप लोग, सल्फर के 12 भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे। ठीक है
फॉर्मूला नहीं आएगी तो समझ में, लास्ट में रुकिएगा, मैं फॉर्मूले फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास का टॉपिक है, तो बेटा माइक को ऑन मत कीजिए, ठीक है बेटा? आप लोग कर तो सही रहे, लेकिन सल्फर का रॉन्ग लिख रहे हैं आप, सल्फर का गलत लिख रहे हैं, देख लो जरा एक बार फिर से। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 का मेरे पास 3 मोल्स दे रखे है ना, 3 मोल्स दे रखे, हाइड्रोजन का कैलकुलेट करती हूँ, 3 है यहाँ, 2 है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आ जाएंगे, ये सबका सही है। सल्फर की बात करें बेटा, सल्फर की यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 मानेंगे ना, मल्टीप्लाई करो 3 × 1, 3 दोगा, कोई 1 लिख रहा है, कोई 12 लिख रहा है, सल्फर के साथ 4 नहीं है, वो ऑक्सीजन के साथ 4 है। अब ऑक्सीजन की 3 × 4 कितने हो जाएंगे, 12 है ना। आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस 4 को सल्फर के साथ भी जोड़ दे रहे हैं, कुछ कुछ बच्चों ने ऐसे किया है, कुछ कुछ बच्चे इस 3 को ले ही नहीं रहे, भाई सल्फर के आगे अगर कुछ नहीं है, सल्फर के नीचे बेस में कुछ नहीं है, बट ये 3 तो आगे है ही ना। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ एक और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आपकी मंडे भी क्लास होगी, ठीक है? सेम टाइमिंग, मंडे एंड ट्यूजडे दोनों दिन लगातार होगी, 7 से 8 बजे, ठीक है? मंडे भी होगी एंड ट्यूसडे भी, लगातार 2 दिन। सभी लोग याद रखिएगा, मंडे एंड ट्यूसडे दोनों डेज होगी, ताकि आपके चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है? अब मेरे ख्याल से किसी भी बच्चे को इस टॉपिक में कोई भी, बेटा स्कूल का मुझे नहीं पता आपके ओपन कब होंगे, अब इस टॉपिक में मेरे ख्याल से किसी को कोई क्लियर प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम कैसे नंबर ऑफ एटम या परमाणु की संख्या हम कैसे निकालते हैं किसी भी दिए गए मॉलिक्यूल में, ठीक है? या यौगिक में या अणु में, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, इतना तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है? पोल सेक्शन मेरे ख्याल से सभी को अब आ गया होगा यूज करना, है ना? पोल सेक्शन सभी को आ गया यूज करना। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आप पोल सेक्शन में ही आंसर करते हैं, ठीक है? और जिसके इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा हो ना, हो सकता है उनका अपडेटेड वर्जन ना हो, इस वजह से भी किसी किसी में नहीं आता है, ठीक है? ठीक है, बस चलिए। तो हमने मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान निकालना सीखा था, ये भी सीखा था हमने लास्ट क्लास में, कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। तो पहले समझ लो आणविक द्रव्यमान होता क्या था, कि मान लो मैंने सिंपल सा H2O का एक अणु ले लिया, H2O का एक मॉलिक्यूल ले लिया। नहीं बेटा वेंसडे नहीं होगी, आपके मंडे एंड ट्यूजडे है फिलहाल, ठीक है? हाँ, अननेसेसरी कॉमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो मुझे फिर चैट सेक्शन में ऑफ करना पड़ेगा। चलो मैंने लिख लिया वाटर का एक मॉलिक्यूल, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम होंगे, उनके मास के बराबर होगा, जैसे अगर वाटर की बात करूं, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1, है ना? जब तीनों के मासों को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास बेटा मंडे है, तो हमारा आणविक द्रव्यमान आ जाएगा, फिर इसके लिए एक, हाँ, 18U आएगा, एक टेबल भी याद करवाई थी ना, टेबल बोला था मैंने याद करनी है, एटॉमिक मास की, परमाणु द्रव्यमान वाली जो टेबल थी, 6 थी, है ना? हाइड्रोजन का 1U था, यूनिट भी मैंने बताई थी, यू होती है ना? ऑक्सीजन का 16 था, ठीक है? कैल्शियम का 40 था, तो ये वाली टेबल जो थी सभी को लर्न करनी थी। हाँ, तो वॉइस नहीं आ रही है बेटा, एक बार क्लास को लीव करिए, फिर दोबारा से एंटर कीजिए। हाँ, क्लोरीन का 35.5 था, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से सभी को ये टेबल लर्न भी हो गई होगी, है ना? तो अगर वाटर का निकालू तो टोटल निकाल सकते हैं ना आप, पानी का आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन का 1 हो गया, फिर से हाइड्रोजन का 1 हो गया, ऑक्सीजन के 16, कितने आ जाएंगे, 18, उसके साथ इसकी यूनिट यू, है ना? ये क्लियर था सभी को, बस जोड़ना था।
बेटा इतनी बार वाई नहीं टाइप करना है, नेहा सिंह के नाम से जो भी है। ठीक है, बस ऐड करना था आपने और कुछ नहीं। बेटा वॉइस नहीं आ रही, तो एक बार क्लास लीव करके ना दोबारा से एंटर कीजिए, आ जाएगी। मेरा नेटवर्क इश्यू, बाकी सभी को वॉइस क्लियर है क्या? तो वॉइस तो क्लियर होनी चाहिए मेरी। हाँ, वॉइस क्लियर है बेटा। ठीक है, चलिए बढ़िया। चलो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको निकालना है सोडियम कार्बोनेट का। ये दे रखा है आपके सामने, ट्वाइस ऑफ Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का नंबर ऑफ एटम्स निकालने कि इसमें सोडियम के कितने होंगे, कार्बन के कितने होंगे एंड ऑक्सीजन के कितने होंगे। सभी आंसर करेंगे, चैट सेक्शन है। ठीक है, सभी अपने अपने नोटबुक में से सॉल्व करिए कि अगर मैंने 2 मोल सोडियम कार्बोनेट के लिए हैं तो सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन के कितने परमाणु उसमें होंगे। परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 2 मोल सोडियम कार्बोनेट का आपके पास एक यौगिक दे रखा है, तो ठीक है, चलिए आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। वेरी गुड, सही कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड बेटा। 4, 6 एंड 6। कार्बन के भी 6 लिख रहे हैं कोई? मुझे तो कार्बन के 6 नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, है ना? कार्बन के 3 भी दिख रहे हैं किसी को? कार्बन के 3 कहाँ से दिख रहे हैं आपको? सोडियम और ऑक्सीजन के सही लिख रहे हैं, बट कार्बन के 3 कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे? मैं तो 2 ही दिख रहे हैं कार्बन के। चलिए इसका सॉल्यूशन देखो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे भाई, सोडियम 2 है यहाँ पे, आगे 2 है, बड़े। मॉलिक्यूलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास नहीं, ये नंबर ऑफ एटम है, कितने एटम मिला के ये बना रहे कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास में तो बस वैल्यूज रखनी होती है ना, एटॉमिक और जितने एटम्स हैं उनके मास रखने होते हैं मुझे, एटॉमिक मास, फिर उनको टोटल ऐड करना पड़ता है। लेकिन इसमें तो हम ऐसा नहीं कर रहे, इसमें हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने। तो 2 से 2 की मल्टीप्लाई करोगे 4 हो गया। या कार्बन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे? कार्बन के 2 ही तो एटम है, देन ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 है, 3, 2 या 6, 4, 2 एंड 6 इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ना, 4, 2 एंड 6। हाँ ठीक है, चलिए अब क्या आप इसी कंपाउंड का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास? आणविक द्रव्यमान, सभी बच्चे आणविक द्रव्यमान भी निकालेंगे इसका। आणविक द्रव्यमान भी, तो मैं लिख देती हूँ फिर भी, इसको नहीं पता है। सोडियम का होता है 23U, कार्बन का बेटा अब तक ही याद होने चाहिए आपको, ऑक्सीजन का 16U। वैल्यूज पुट करिए और ऐड कर दीजिए सिंपल। ठीक है,
ठीक है, वैल्यूज आपके सामने है। हाँ रिपीट यही है कि आपको निकालना है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तीनों की वैल्यू दे दी है, पुट करिए और ऐड करिए बस। 51 U। गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, सभी का गलत है, जितने भी 51 U लिख रहे हैं ना, सबका रॉन्ग आंसर है, सभी का रॉन्ग है। सिक्सटी थ्री भी रॉन्ग आंसर है। हाँ एक बच्चे का सही आने लग गया। हाँ वेरी गुड, अब सही आ रहे हैं आपके आंसर। 51 तो हो ही नहीं सकता ना कम, 2 मोल दे रखे हैं, ये भी तो देखो आगे 2 मोल भी है। हाँ आगे 2 मोल भी है उसके, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी टाइप करेंगे आंसर। अच्छा बेटा माइक को ना अनम्यूट मत करिए। एक सौ छह, 456। चलिए अब चैट सेक्शन में कोई भी टाइप नहीं करेंगे बेटा, ठीक है? अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको, चैट सेक्शन में यहाँ से ऑफ कर देती हूँ। चलिए अब इसका सभी आंसर देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखो 2 भी आ गए, इस 2 को ना फिलहाल इग्नोर करो, फिलहाल बस इस वाले को करो, ये 2 की मल्टीप्लाई हम लास्ट में भी कर सकते हैं, है ना? इस 2 की मल्टीप्लाई लास्ट में कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, वैल्यूज पुट करूँ, तो क्या हो जाएगा? सोडियम का 23 था, कितने एटम है सोडियम के? 2, 2 × 23 करूंगी। हाँ प्लस दूसरा एटम स्टार्ट हो गया, कार्बन का एक ही है, इस 2 को नहीं देखेंगे अभी फिलहाल, तो ना ऐसे कर लो बाहर ब्रैकेट में 2 की मल्टीप्लाई, है ना? क्योंकि लास्ट में 2 से होगी होगी, क्योंकि 2 सभी के साथ है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन की 3 एटम है, एक एटम का मास होता है 16, ये आपको सॉल्व करना है, तो 2 बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है? 23 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 46 आएगा, प्लस 12, 16 को 3 से करेंगे 48 आएगा, है ना? चलिए अब तीनों को कर दीजिए ऐड, 48, 12 एंड 46 को ऐड करेंगे तो 106 आएगा, बट आगे 2 भी तो है, 106 को आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना जाएगा? 212 U। क्या ये आंसर किसी का आया था? 212। क्लियर है सभी को? 212 कैसे आया? आपने 2 की मल्टीप्लाई नहीं करी, 106 तक तो सही कर दिया, 106 तक सही कर दिया, पर उसके आगे आपने 2 की मल्टीप्लाई करी नहीं। क्लियर है सभी को? हाँ जिसका भी 212 आया है, एकदम मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चों को आया था, जिसका भी आया था उसका एकदम करेक्ट आंसर था। ठीक है क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है? चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है, आपको फिर से नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, ठीक है? इसका आंसर कहाँ करना है सभी ने? इसका आंसर आपने पोल सेक्शन में जाके करना है, ठीक है? अमोनियम क्लोराइड के 4 मोल दे रखे हैं, तो उसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, नंबर ऑफ एटम्स, तीनों के निकालने हैं, सोडियम के भी, हाइड्रोजन के भी और क्लोरीन के भी, इसलिए मैंने 3 बना रखे हैं ऑप्शंस में, सोडियम के भी,
हाइड्रोजन के भी एंड क्लोरीन के भी। होल सेक्शन में आंसर करेंगे इसका सभी। चलिए बी 5 बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रिवाइज करवाया है। एम बी परमाणुओं की संख्या, एटम्स की संख्या या पता नहीं आपने। सभी बच्चे करेंगे ट्राई। हाँ 35 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, बट कुछ बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। अभी भी काफी बच्चे हैं जो आंसर रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है 40 बच्चों ने आंसर दे दिया, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी टाइप करेंगे आंसर। ठीक है चलिए, लास्ट के 5 सेकंड्स और दे रही हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए हमें पोल सेक्शन एंड कर रही हूँ, ठीक है, चैट सेक्शन ऑन कर रही हूँ, जल्दी जल्दी से बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जल्दी जल्दी ऑप्शन टाइप करेंगे। ठीक है चलिए, ठीक है, तो पता चल रहा है कि बच्चे ज्यादातर सही आंसर ही दे रहे हैं। चलो चलो स्टार्ट करें। तो ये दे रखे आपको अमोनियम क्लोराइड का, तो अमोनियम की बात करूं, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 मानूंगी तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करूंगी, 4 × 2 कितना हो जाएगा 1। क्लोरीन की बात करूंगी, 2 × यहाँ कुछ नहीं है 1, 2 × 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए टाइप करा है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। क्लियर है सभी को ये, क्या सभी को क्लियर है? हाँ यस क्यों हुआ बेटा, साफ देखो ना, नाइट्रोजन के नीचे बेस में कुछ भी नहीं है, 1 मानोगे, आगे 2 है तो 2 ही तो होंगे, हाइड्रोजन के 4 हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 ही तो होंगे, क्लोरीन के नीचे कुछ नहीं है, 1 मानोगे तो 1 की 2 से करोगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो सभी को क्लियर हो गया। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अभी तक हमने रिवीजन किया है, अब आता है कि गिनती के मानक। गिनती के मानक क्या मतलब, कि भाई मैं कैसे काउंट करूंगी, काउंट कैसे, अगर आप दुकान में जाते हो बोलते हो कि भाई मुझे केले दे दो, तो आप बोलते हो ना कि एक दर्जन केले दे दो, और आपको पता है कि भाई एक दर्जन में 12 ही आएंगे, है ना, 12 आएंगे, तो मेरे पास ये नापने की यूनिट तो है, लेकिन क्या मैं किसी भी अणु या मॉलिक्यूल में नाप सकती हूँ कि कितने अणु प्रेजेंट होंगे उसमें, है कितने अणु प्रेजेंट होंगे वो ही हम निकालेंगे, कैसे निकालते हैं ना। चलिए आपको पता है कि अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास एक दर्जन जल अणु बोलूँ, तो एक दर्जन सुनते आप बोलेंगे कि भाई 12 होंगे, है ना, 12
जल के अणु होंगे, वही मैंने लिख दिया है ना। तो 12 जल के अणु होंगे, अगर मैं 12 बोलू तो एक दर्जन जल के अणु में 12 होंगे, तो 12 जल के अणु में कितने होंगे आप लोग बताएंगे, 12 जल के अणु में कितने होंगे, आपको क्या करना है, 12 जल के अणु लिखा है मैंने, चलो यहां मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने लिख दिया 12 जल के अणु, तो ऐसे समझना फिलहाल, 12 जल के अणु, तो हाइड्रोजन के कितने अणु हो जाएंगे, 24, 24। हाँ, एंड ऑक्सीजन के 12, ये आपको पता चल गया कि भाई मुझे पता है कि मैं 12 दर्जन वाटर के अणु ले लूं, 12 दर्जन में वाटर के मॉलिक्यूल ले लूं, तो 24 उसमें हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे और 12 उसमें ऑक्सीजन के एटम होंगे। लेकिन अब हमें पता है कि परमाणु तो बहुत ही छोटे होते हैं ना, पहले हम पढ़ चुके हैं कि उनको नापना, उनको काउंट करना बहुत ही मुश्किल है, तो हम दर्जन वगैरह वर्ड तो हम कोई यूज ही नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल सकते कि एक दर्जन एटम है मेरे पास, 100 दर्जन एटम है, ऐसे हम नहीं यूज कर सकते। तो इसको नापने के लिए क्या आया, इसको नापने के लिए हमारा आया कॉन्सेप्ट मोल का, ठीक है। अब मोल हम पढ़ चुके हैं, पर मोल में भी कुछ एक वैल्यू फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड कैसे, कि मैं एक दर्जन बोलते ही आपके दिमाग में 12 आ जाता है ना, एक दर्जन बोलते ही 12 आ जाता है, तो मोल बोलते ही आपके दिमाग में क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो मोल बोलते ही ये वैल्यू आनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है कि एक मोल में कितने वस्तुएं होंगी, एक दर्जन में 12 वस्तुएं हैं, तो एक मोल में 6.022 × 10³ वस्तुएं आएंगी, ठीक है। इतना समझ में आया तो वाई टाइप करिए चैट ओके सेक्शन में, इतना समझ, और उतना तो समझाया नहीं है, इतना ही बोला है कि जब मैं आपसे एक दर्जन बोलूं तो आपके दिमाग में 12 आता है, तो वहीं अगर मैं एक मोल बोलूं तो ये हो जाएगा, एक मोल में 6.022 × 10³ वस्तुएं आपकी आ जाएंगी, ठीक है। नंबर भी फिक्स है हमारा, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस नंबर को कुछ ना कुछ बोलते होंगे ना, जैसे एक दर्जन बोला तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो स्थिरांक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, एवोगैड्रो कांस्टेंट एंड एवोगैड्रो स्थिरांक, ठीक है। अब ये नाम किसने दिया था, ये नाम एंड नंबर किन्होंने खोज करी थी, हमारे केमिस्ट थे अमेडो एवोगैड्रो, तो इनके नाम से ही ये पड़ गया, ठीक है। अब इस नंबर को हम एन नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कि कहीं पे भी एन नॉट लिखा हो ना, एन के बेस में जीरो, जैसे एन नॉट बोलते हैं, एन नॉट मीन्स हो जाएगा जहां पे भी, मीन्स मैंने क्या दे दिया, मैंने आपको एवोगैड्रो नंबर दे दिया या बता दिया कि इतने मोल्स इतनी वस्तुएं हैं, क्लियर है। अब मोल होता क्या है, अभी मैंने देखा बेटा, माइक जिसका भी ऑन है म्यूट कर लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसको समझाने के बाद फिर मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगी, देन आपसे पूछूंगी कितना समझ में आया आपको, ठीक है। फिलहाल चैट सेक्शन ऑन करूंगी तो बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई एक दर्जन में 12 है, एक दर्जन 12 के बराबर है, तो एक मोल किसके बराबर हो जाएगा, 6.22 × 10³। अब ये चीज आपने दिमाग में रख लेनी है कि अगर मैं एक मोल बोलूं तो आप बोलेंगे भाई एक मोल में इतनी वस्तु आएंगी, मैं दुकान में जाऊं कि मुझे एक मोल केले दे दो तो भाई वो इतने केले चढ़ाएगा उसमें, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूं एक मोल पेंसिल है तो एक मोल पेंसिल में कितनी पेंसिल होंगी, आप बोलेंगे इतनी पेंसिल होंगी एक मोल में, ठीक है। एक मोल केले बोलूं तो आप बोलोगे इतने, ठीक है, मोल के हिसाब से यूनिट हमारी चेंज हो गई। 5 मोल केले बोलूं, 5 बोलूंगी तो कितना हो जाएंगे, 5 को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई तो करोगे, करोगे या नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक दर्जन में 12 केले हैं, तो 5 दर्जन में कितने होंगे, अब 12 को 5 से तो गुणा करते हैं, सेम वही कर रखा है मैंने कि अगर मेरे पास 5 मोल केले हैं तो 5 की मोल से ही तो मल्टीप्लाई करेंगे। इतना क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप करिए, हाँ इसकी फिक्स्ड वैल्यू यही है बेटा, 6.022 × 10³। ठीक है, अब आप ये मुझसे ये मत पूछना कि वैल्यू आई कैसे, क्योंकि साइंटिफिकली
निकाला गया है, ठीक है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज करके, एक्सपेरिमेंट्स करके। चलिए, चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, यहां तक क्लियर है तो सभी बच्चे वाई टाइप करिए, क्लियर नहीं है तो एन टाइप करिए। ठीक है, क्लियर है, तो ज्यादातर बच्चों को क्लियर है। कुछ नहीं है बेटा, जिसको नहीं समझ में आया कुछ नहीं है, बस एक वैल्यू मैंने याद करने के लिए बोली है आपको, और कुछ नहीं। मैंने आपसे बोला है कि भाई एक दर्जन में अगर 12 केले हैं, उसी तरह एटम को नापने के लिए कितने एटम हैं, 1 मोल में 6.22 × 10²³ हो जाएंगे, बस फिलहाल बस इतना ही बोला है। नहीं, ये मोल की वैल्यू और सॉल्व नहीं होगी, इतनी रहेगी, ठीक है, हाँ यहीं तक रखेंगे हम इसे, यहीं तक में से कैलकुलेशन जब आएगी आगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहीं तक हम इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अब निकालते हैं कि भाई परमाणु और अणुओं में हम इसे कैसे पुट कर सकते हैं, परमाणु और अणुओं में। चलिए, किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का 1 मोल अभी हमने देखा कि भाई इसके बराबर होगा। एक मोल, हाँ, चैट सेक्शन ऑफ है, इसका माइक ऑन है बेटा, ऑफ रखिए। 1 मोल एटम में, 1 मोल एटम में 6.022 × 10³ एटम्स होंगे, परमाणु होंगे, ये फिक्स है। अगर मैं बात करूं 2 मोल की, 2 मोल की बात करूंगी तो आप 2 से ही तो गुणा करोगे, 2 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, क्योंकि नंबर दुगने हो रहे हैं, तो मोल्स की जो संख्या, जो एटम्स की संख्या है, वो भी दुगनी हो जाएगी। हाँ, अभी चैट सेक्शन ऑन करूंगी, जिसका माइक ऑन है बेटा ऑफ कर लीजिए भाई। ठीक है, मोल की संख्या बढ़ गई, दुगनी हो गई, तो एटम की संख्या भी बढ़ जाएगी, 7 हो जाएंगे, तो किससे गुणा कर दोगे, 7 से। मतलब यहाँ जैसे जैसे मोल की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे आप यहाँ पे परमाणुओं की संख्या, उसमें जितने प्रेजेंट है परमाणु, उनकी संख्या भी उसके हिसाब से बढ़ती रहेगी। क्लियर है? ठीक है, इसका माइक कौन है, शिवकांत के नाम से जो है, ठीक है, इतना समझ में आया तो जल्दी से चैट सेक्शन ऑन हो गया है वहां टाइप करिए, अगर इतना समझ में आ गया तो। मनोज के नाम से जो है बेटा, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है, सभी को इतना क्लियर हो गया। चलो, अब हमने एटम की बात कर ली, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की। ठीक है, परमाणु में देख लिया, अब हम बात करेंगे अणुओं में क्या होता है। तो जैसे कि 1 मोल एटम में इतने ही हमारे एटम्स होते थे, है ना, उसी तरह अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, उसी तरह बात करूं मॉलिक्यूल की, उसी तरह बात करूं मॉलिक्यूल की, तो कितने होंगे, मॉलिक्यूल में भी 6.22 × 10³ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? चाहे मैं मॉलिक्यूल ले लूं, चाहे मैं अणु ले लूं, चाहे मैं एटम ले लूं, वैल्यू फिक्स ही रहेगी। बेटा इतना क्लियर है क्या? चैट सेक्शन ऑन है, टाइप करिए। मैम ये आगे सॉल्व नहीं होगा? नहीं, आगे सॉल्व नहीं है तो मैंने बस एक वैल्यू फिक्स बताई है, सॉल्व क्या करना है इसमें। मैं आपसे बोलूं कि भाई ये 1 दर्जन केले, बोलूं तो 12 होते हैं, 12 को आगे क्या सॉल्व करोगे आप, 12 मतलब तो 12 है ना, फिक्स है वो वैल्यू, तो मैंने बस वैल्यू फिक्स बताई है आपको कि चाहे मैं मॉलिक्यूल ले लूं, चाहे मैं एटम ले लूं, चाहे मैं कोई कंपाउंड ले लूं, सब में इतनी वैल्यू फिक्स रहेगी ये।
है। हाँ आगे और समझ में आएगा जब मैं आगे पढ़ाती जाऊंगी। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि भाई 1 मोल एटम बराबर होगा 1 मोल मॉलिक्यूल के, और ये बराबर होगा किसके, कितने नंबर्स होंगे, 6.022 × 10³। ये मैंने अभी तक बता दिया, दोनों में बराबर ही होंगे। ठीक है, ठीक चलिए। अब हम देखा कि भाई 1 मोल में इतने होते हैं, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखेंगे। अगर मैं आपको 15 मोल अणु दे दूं, अगर मैं आपको 15 मोल अणु दे दूं तो कितने होंगे, 15 मोल अणु में अणुओं की संख्या कितनी होगी। अगर मेरे पास 15 मोल है तो बताइए अणुओं की संख्या कितनी होगी। 1 मोल का आपको पता है, 15 मोल का बताइए। सभी बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करेंगे 15 में कितनी होगी। वेरी गुड बेटा, 15 में बताइए। वेरी गुड, सीमा के नाम से जो है बेटा, बहुत बढ़िया, सही लिखा है आपने। बाकी बच्चे भी ठीक है। ठीक है, धीरा पाल, हरपाल, बेटा सही लिखा है। 9 नहीं, वहां 6 होगा। हाँ मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। हाँ है ना, सभी का सही है मेरे ख्याल से, अब क्लियर हो गया है। अगर मैं 15 मोल लिखूं, 15 से इंटू हो जाएगी, है ना। जितनी क्वांटिटी में अणु बनेंगे, जितनी क्वांटिटी में मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से जो उसके अणुओं की संख्या है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये सभी ने सही लिखा है। अब इसने एग्जाम्पल लिया है जल का, वाटर का, 1 मोल वाटर का एग्जाम्पल लिया है। क्या बोला है आपको, इतना तो पता ही हम पहले सीख चुके हैं कि वाटर के 1 मोल में 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, ये आपको दिख रहा है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिला के पानी का 1 मोल बनाते हैं, है ना। तो आपको पता है कि अगर 1 मोल वाटर का ले लूं मैं अणु, मॉलिक्यूल ले लूं, तो उसमें इतने वैल्यू फिक्स होंगे, इसमें इतने जल के अणु होंगे, इतने जल के अणु होंगे, है ना, इतने जल के अणु होंगे। अगर मैं बात करूं इसके एटम की, अब इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बताओ, हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन के 1 है, तो क्या ये यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। भाई एक हाइड्रोजन के परमाणु में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं इतनी वैल्यू फिक्स रहती है, तो अगर 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे तो क्या 2 से मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी, वही इसने लिख रखा है, होगी ना। 3 होते तो 3 से हो जाती, 4 होते तो 4 से हो जाती, चैट सेक्शन में लिखी। अगर इतना समझ में आ गया है तो मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा टफ भी है, तो ध्यान से देखना है इसे। हाइड्रोजन के 2 एटम है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मॉलिक्यूल के लिए भी, अणु के लिए भी वैल्यू फिक्स है 6.22 वाली, और परमाणुओं के लिए भी वही वैल्यू है 6.022 वाली। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसने बोल दिया ऑक्सीजन में कितने होंगे, ऑक्सीजन का मुझे दिख रहा है 1 ही एटम है, 1 ही तो एटम है, नीचे कुछ नहीं, 1 मानूंगी, तो इतने ही ऑक्सीजन के परमाणु उसमें होंगे। अगर यहाँ पे 2 होते, 3 होते, 4 होते तो इसकी मल्टीप्लाई उतने से होती रहती है ना, ये सभी को क्लियर है। 1 है इसलिए 1 ही बार आएगा, 1 मोल में इतने हो गए, हम समझ गए है ना। तो 1 मोल हाइड्रोजन के अणु में इतने अणु होंगे, 1 मोल वाटर के उसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितने होंगे, इतने होंगे, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, इतने होंगे। हम तीनों चीजें समझ चुके हैं, ठीक है, तीनों चीजें समझ ली हमने। चले इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
अगर मेरे पास 3 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के, 3 मोल है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है मेरे पास, तो उसमें ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले मैं हिंट दे रही हूँ, सबसे पहले आपने क्या करना है, एटम निकालो ऑक्सीजन के, परमाणु कितने हैं, और उसके बाद एवोगैड्रो नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर दो, वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करिए सब इसका। पहले ऑक्सीजन एटम की संख्या निकालिए, कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, जितने ऑक्सीजन के परमाणु आ जाएंगे वो परमाणु की संख्या हमने निकालनी सीखी थी, बेस में जितने हैं आगे जितने मोल हैं मल्टीप्लाई कर दो, और उसकी जो वैल्यू आ गई फिर देख लो भाई कि एवोगैड्रो नंबर से उस संख्या की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 24 बच्चों ने आंसर दे दिया इसका, और आंसर गलत भी हो रहे हैं अभी, है ना, क्योंकि जल्दीबाजी में कर रहे हैं इसलिए आंसर गलत दे रहे हैं आप। अभी भी मैक्सिमम बच्चे आंसर रॉन्ग दे रहे हैं, 9 ही बच्चों के आंसर अभी तक सही है 35 बच्चों में से, 23 बच्चों के आंसर गलत है। ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीजन के एटम आप गलत निकाल रहे हो, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या आप रॉन्ग निकाल रहे हो, तभी आपको ऑप्शन गलत आ रहा है। तीन 11 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 27 बच्चे अभी भी रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। चलिए पोल सेक्शन में एंड कर रही हूँ, ठीक है, बाकी बच्चे का आंसर चैट सेक्शन में देंगे, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में देंगे इसका आंसर। चैट सेक्शन में सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं जरा कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले एटम की बात करिए तो मुझे परमाणु की संख्या देखो, 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिखेंगे। हाँ ऑक्सीजन की संख्या पूछिए, ज्ञात करो, 3 को 2 से करोगे भाई, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए, 6 हो गए। अब आपको पता है कि 1 मोल में, ठीक है, 1 एटम के मोल में इतना होता है, तो भाई ऑक्सीजन की कितने एटम्स है, कितने परमाणु है, 6, 6 से तो गुणा होगी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिखाया गया है। अगर मैं बात करती कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल में, तो 3 से गुणा हो जाती है ना, बात करती कार्बन की तो कार्बन के भी 3 है, कार्बन के नीचे कुछ नहीं है, 1 मानोगे तो कार्बन के भी 3 हो जाते हैं परमाणु की संख्या, लेकिन ऑक्सीजन में तो 6 है इसलिए 6 हुई यहाँ पे। ठीक है, सभी को क्लियर है ये, कैसे आया चैट सेक्शन में वाई टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे आपको कार्बन की भी दिखा दी है और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की भी दिखा दी है।
नहीं समझ में आया बेटा क्लास के एंड में रुकिएगा, ठीक है, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी क्लास के एंड में, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों को समझ में आ गया है, जिनको नहीं आया क्लास के एंड में रुकिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इतना हम पढ़ चुके हैं कि भाई एक मोल में इतना होता है, और इसको हम एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट या एवोगैड्रो स्थिरांक भी कहते हैं। अब मुझे देखना है कि वही एटम या मॉलिक्यूल और उनके मास में क्या रिलेशन होता है, संबंध क्या होता है परमाणु अणु की संख्या और इनके द्रव्यमान के बीच में, संख्या के द्रव्यमान के बीच में संबंध क्या है। अब एक और नई चीज आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा है आपको ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। हमने इससे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाला था, है ना, आणविक द्रव्यमान निकाला था। अब हम निकालेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास इन ग्राम, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, किसी तत्व के एक मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, मतलब कि अगर मेरे पास किसी भी एटम का 1 मोल दे रखा है, किसी भी एटम का 1 मोल, मान लो सोडियम का 1 मोल है, ठीक है, कुछ आगे नहीं है, तो सोडियम का 1 मोल है, तो सोडियम का 1 मोल एक एटम दे रखा है, उसका जो मास होगा वही मेरा ग्राम एटॉमिक मास होता है। मतलब कि यहाँ सोडियम का अगर एक एटम है, 1 मोल है, आपको पता है कितना होता है वैल्यू, 23 U। अब ग्राम लिखा है तो यू की जगह हटा के मैं क्या लिख दूंगी, जी, सेम वही रहेगा वैल्यू सेम, बस ग्राम एटॉमिक मास आ गया तो यूनिट यू से हटके जी हो जाती है, सेम ही बात है, ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान या ग्राम एटॉमिक मास किसी भी परमाणु का सेम ही बात है, ठीक है, बस यूनिट में डिफरेंस आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा यू की जगह, ग्राम आ जाएगा यू की जगह। इतना क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई टाइप करिए, क्लियर नहीं है तो दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। कुछ नहीं है, बस यूनिट चेंज करी है मैंने, टेबल आपको याद ही है जो मैंने बोली थी, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सभी की यू यू में थी, अब जी जी में हो जाएगी, क्योंकि नंबर नाम लिख दिया मैंने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, सेम ही बात है ना, ठीक है। चलिए बेटा, टेबल मैंने लास्ट क्लास में बोली थी ना स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वो आपकी बुक में भी होगी, एटॉमिक मास वाली टेबल अभी लास्ट में शो कर दूंगी आपको। तो क्या लिखा है कि भाई एटॉमिक मास और 1 मोल एटम का मास हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। जैसे यहाँ दे रखा है भाई हाइड्रोजन में, आपको पता है हाइड्रोजन के एक एटम में 1 U होता है एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास बोलो तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है, ये तीनों एक चीज, ये दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है, एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास बराबर रहेगा, बस यूनिट चेंज कर रखी है ना, परमाणु का द्रव्यमान और ग्राम परमाणु द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा। इतना क्लियर है अभी हाइड्रोजन वाला एग्जाम्पल, क्लियर है सभी को, ठीक है। बेटा जैसे क्लियर नहीं है ना, वो लास्ट में रुक जाना, कुछ नहीं करा है मैंने, बस यूनिट चेंज होती है, वैल्यू आपको टेबल याद है, टेबल पता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मैंने क्यों लिखा है, ये वैल्यू फिक्स्ड रहती है। हाँ, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है 1 U, अभी मैंने हाइड्रोजन का ही बताया, वो आपको आगे टेबल में दिखते जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन में 16 U होता है, ये हमने टेबल में देखा था, तो भाई अगर मैं ग्राम एटॉमिक मास करूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, 16 ग्राम के बराबर होगा या नहीं,
ग्राम एटॉमिक मास, कुछ नया नहीं है, बस यूनिट चेंज है, बार बार बोल रही हूँ, बस यूनिट चेंज है। क्लियर है ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल? ठीक है। रिपीट कर देती हूँ, आपको पता है ना ऑक्सीजन में 16 ही होता है एटॉमिक मास टेबल से, तो भाई ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम हो जाएगा, यूनिट चेंज करी है मैंने और कुछ नहीं। हाँ 16U इज इक्वल टू 16 ग्राम। चलिए नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का 14U टेबल में दे रखा था, नाइट्रोजन का 14U होता है हमारा आणविक परमाणु का द्रव्यमान, तो अगर मैं इसका ग्राम एटॉमिक मास बोलूं कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। सेम ठीक है, 14 ग्राम, 14U बराबर 14 ग्राम नाइट्रोजन के एक परमाणु में। एक परमाणु की बात कर रही हूँ मैं, एक परमाणु एक मोल की बात कर रही हूँ। वही यहाँ पे कार्बन का भी दे रखा है 12 है तो 12 ग्राम, ठीक है 12 है तो 12 ग्राम। चलिए बेटा यहाँ तक क्लियर है, जहां तक क्लियर है क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपको इससे रिलेटेड, अगर यहां तक क्लियर है तो वाई टाइप करिए, बस एक दूसरे को रिलेट करना आना चाहिए। मैंने कुछ नया नहीं बताया, मैंने आपको कुछ सॉल्व करने के लिए भी नहीं बोला है, बस यूनिट चेंज करने के लिए बोला है। ठीक है चलिए क्वेश्चन करिए आप, फिर मुझे पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आए। मैं आपसे बोल रही हूं कि बताओ कैल्शियम के एक एटम में एक परमाणु है कैल्शियम का, तो उसमें बताओ परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा यू में, और ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास भी बताना है। टेबल याद होनी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी इस बार टेबल, ठीक है कैल्शियम का मैं टेबल याद करने के लिए बोली थी, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। आपको एटॉमिक मास भी बताना है, ग्राम एटॉमिक मास भी बताना है। नहीं 14 नहीं होता, चाहे तो बुक खोल सकते हैं आप। वेरी गुड सरिता, सीमा, धीरा पाल, चमन, जो जितने बच्चे हैं ये एकदम सही आंसर लिखा है ना। 40 होता है, 14 कैल्शियम का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान 40U होता है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी 40 ग्राम नहीं हो जाएगा। फिल कर दीजिए यहाँ पे, सभी का सही आ रहा है, मीन्स आपको समझ में आ गया है। ठीक है बढ़िया, ठीक है बेटा चलो मैं आगे बढ़ती हूँ, अब आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट आता है हमारा मोलर मास, आ गया मोलर द्रव्यमान, मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास ये भी बराबर है। अब धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें आपस में बराबर ही दिखेंगी। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें फॉर्मूला बनता है जिसमें मोलर मास, एटॉमिक मास, गिवन मास ये सब आता है, इसलिए हम आपस में देख रहे हैं कि कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। फिर से इसने पानी की बात करी है, आपको पता है अभी मैंने निकाला कि भाई 1 मोल जल में नहीं तो होगा, अब 18 कैसे आया, 18 कैसे आया, सॉल्व करना आना चाहिए आपको, H2O का निकालना है, दो हाइड्रोजन के एटम है, एक U होता है प्लस ऑक्सीजन का 16, ये आपको याद भी होनी चाहिए, 18 आ गया यहाँ से मॉलिक्यूलर मास है ना, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान अगर पानी का 18 है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से निकालेंगे कि मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, 18U 18 ग्राम के बराबर होगा है ना, 1 मोल जल का वो मैंने निकाल लिया। ठीक है इतना क्लियर है, 18U कैसे आया वो हमने क्वेश्चन से देख लिया, कैसे सॉल्व करते हैं वैल्यू पुट करके, तो ये 18U 18 ग्राम के बराबर हो गया, जो हम पहले सीख के आ चुके हैं। ठीक है अगर मैं
चार मोल जल की बात करूं, 4H2O, 4H2O की बात कर रही हूं मैं बेटा, बताओ क्या होगा? 4H2O की चार गुना कर रही हूँ। आपको पता है 1 मोल में 18 ग्राम अभी निकाल रखे हैं, तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे? 4 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगी या नहीं? हाँ है ना, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करूंगी, कितना आ जाएगा? 72 ग्राम, है ना? जितनी वैल्यू होगी उससे उतनी टाइम उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 72 ग्राम आ गया। हाँ, 4 × 18 72, 72 ग्राम। अब क्या है भाई, यहाँ पे बोल रखा है पानी की ही बात करी है, ठीक है? यहाँ ध्यान से देखना, ये चीज समझने वाली है। H2O की बात करी है, 1 मोल, ठीक है? आगे कुछ नहीं है तो मैं इसे 1 ही मानूंगी। 1 मोल वाटर की बात करी है मैंने, पढ़ा कि भाई 1 मोल में कितना होता है? 6.022, 10³ अणु होंगे। अगर पानी के एक अणु की बात करो, पानी के एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, तो अब आपको पता है कि भाई 1 मोल में अभी मैंने निकाला 18 ग्राम आ रहा था, पानी के 1 मोल में 18 ग्राम थे, तो 18 ग्राम जल में भी अगर 18 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो क्या 18 ग्राम और 6.22 को क्या मैं बराबर नहीं लिख सकती? भाई 18 ग्राम का मतलब ही तो 1 मोल है ना? इसकी वैल्यू 18 ही तो आई थी अभी मैंने निकाली, तो क्या मैं 18 ग्राम को 6.22 × 10³ के बराबर लिख सकती हूँ या नहीं? चैट सेक्शन में बताइए, क्या मैं 18 ग्राम को 6.022 × 10³ लिख सकती हूँ? क्योंकि 18 ग्राम का ऑटोमेटिकली मतलब 1 मोल है। हाँ है ना, 18 ग्राम का मतलब 1 मोल ही है। हाँ रिपीट कर देती हूँ बेटा, अभी आपने 18 ग्राम निकाला था पानी के 1 मोल में, पानी के 1 मोल में कितना था मास, ग्राम एटॉमिक मास? 18 ग्राम पिछले वाले में निकाला था भाई, 18 ग्राम और 1 मोल बराबर हुआ ना, 18U कैसे आया? अभी तो निकाला था हमने पिछली वीडियो में, पिछले स्लाइड में, ये देखिए निकाला नहीं मैंने वैल्यू पुट करके, 18U वहीं से आया है। वहीं से आया पिछली वीडियो से, 18U कैसे आया पूछ रहे हैं? इतना मैं लिख सकती हूँ। चलिए अब आगे समझते हैं, क्लास कोई भी लीव नहीं करेंगे क्योंकि छूट जाएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। कितने मोल दे रखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के? 1 ही मोल है। अब ये 44U कैसे आया वैल्यू पुट करके? दो है ऑक्सीजन के एटम, परमाणु जोड़ दो, क्या 44U आएगा? या मैं इसे 44 ग्राम भी लिख सकती हूँ, इतना मैंने निकाल लिया, ये तो सभी को आता है सॉल्व करना, है ना? अब 1 मोल में अगर 44 ग्राम है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम के बराबर है, तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या इतने होंगे या नहीं होंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, 1 मोल है तो 6.022 × 10³ होगा। 10 मोल ले ली थी तो 10 × 6.022 × 10³ हो जाता। कितना क्लियर है कार्बन डाइऑक्साइड वाला एग्जाम्पल? 1 ही मोल लिया है जैसे वाटर वाला केस था। 44 कैसे आया सॉल्व करके, वैल्यू पुट करके, कार्बन की ऑक्सीजन की? बेटा क्लियर नहीं है आपको तो लास्ट में रुकिएगा, कि आपको पहला वाला एग्जाम्पल भी क्लियर नहीं था। जिसे क्लियर नहीं है, जिसे क्लियर नहीं, क्लास के एंड में रुकना, क्योंकि मुझे लगता है आपको अभी तक ये निकालना नहीं आया है कि कैसे हम ये 44 ग्राम वाली जो वैल्यू है ये कैसे निकालते हैं। चलिए अब जैसे कि ग्राम एटॉमिक मास था, वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, सेम। तो किसी पदार्थ के 1 मोल अणु का द्रव्यमान ही हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है।
मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो उसके 1 मोल में जितना मास होगा, 44 U था, 44 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रही हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितना ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा? 44 ग्राम। कितना अणु द्रव्यमान होगा कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में? 44 ग्राम। इतना क्लियर है? तो जितने बच्चे लेफ्ट हुए हैं ना बेटा क्लास से, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में क्या चल रहा है। मैंने आपसे ये चीज पहले ही बोली थी कि जो मोल कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा टफ चैप्टर है, टफ टॉपिक है। कैसे आया 44 ग्राम बेटा? पिछली वीडियो में, तो पिछली स्लाइड में मैंने बताया हरपाल के नाम से जो भी बेटा, तुम क्लास के एंड में रुकना जरूर, क्योंकि तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी तक ये निकालना आया है, इसीलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मास और मॉलिक्यूलर मास बराबर होगा, दैट मीन्स जो हमने पहले वीडियो में देखा था, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो 44 ग्राम के बराबर होगा। वही मैंने एटम की केस में पढ़ा परमाणु, वही मैं मॉलिक्यूल की केस में पढ़ रही हूँ ना, परमाणु और अणु के बारे में सेम ही रहेगा। तो यहां से मुझे क्या चीज पता चल गई? ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, हाँ बराबर है, बस यूनिट चेंज हो रही है और कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक मास की बात करूं तो वो एटम पे लगेगा, मोलर मास की बात करूं, मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, वो मॉलिक्यूल पे लगेगा। ठीक है, अब आपके सामने एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे टेबल को ध्यान से समझना जरा। अगर मैं परमाणु की बात कर रही हूँ, परमाणु के आणविक द्रव्यमान, परमाणु के द्रव्यमान की बात कर रही हूँ, तो ये हाइड्रोजन का एक परमाणु 18 U आया, सभी को पता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, पानी का 18 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, ये सभी को आता है निकालना। अगर मैं मोलर द्रव्यमान निकालू, मोलर द्रव्यमान किसमें आएगा? ग्राम में। सेम वही वैल्यू है, बस यूनिट चेंज हो गई, यू से ग्राम, यू से ग्राम, है ना। अगर ग्राम परमाणु द्रव्यमान की, परमाणु एटम की बात करिए, तो हाइड्रोजन का एटम है 18 ग्राम, ऑक्सीजन का एटम है 16 ग्राम। अब ये एटम थोड़ी ना है, ये तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल तो है ये, इसलिए यहाँ पे क्रॉस लगाया हुआ है। सेम यहाँ पे भी क्रॉस लगाया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। अब अणु की बात करिए, लेकिन ये तो परमाणु है, ये और ये परमाणु है, तो इसलिए इनकी जो टेबल है वो खाली है, ये भी नहीं ये भी नहीं, इसमें 18 ग्राम, इसमें 44 ग्राम। इतना क्लियर है सभी को? चाहे तो इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, जैसे नहीं है क्लियर हो क्लास के एंड में रुकेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, अब मैं जरा, हाँ 8 बज गए, मैं जरा होमवर्क के क्वेश्चन देती हूँ, लास्ट बार। आपके मंडे भी क्लास होनी है, ट्यूसडे भी। बेटा मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ आपकी, ये आपके बुक में भी अवेलेबल होगी, ये वाली तो नहीं, पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, ज्यादा सही रहेगा। चलिए, ये मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था कल, तो लास्ट क्लास में, CFCO3 का। आज 2 क्वेश्चन है, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन नंबर 3, बेटा स्कूल का मुझे नहीं पता, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने हैं आपने, इसमें कितने होंगे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आंसर कुछ भी हो, बी तो नहीं आंसर, गलत बोल रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन मत करिएगा, क्योंकि मैंने अभी अलग, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं इसको। ठीक है, मेरे पास 1.5 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो मैं 1.5 मोल अगर
H2SO4 है, तो ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी होगी उसमें? क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे बेटा। अभी फिलहाल आपका ट्यूसडे तक क्लास होगी, उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया क्वेश्चन 2 एंड 3 वो जा सकते हैं, बाकी जिन्हें नहीं समझ में आए बच्चे रुकेंगे।